सबसे सस्ता मार्केट आपको यहीं मिलेगा अगर शॉपिंग वगैरह के लिए आप कंसिडर करना चाहें। सो वी आर राइट नाउ इन द पाकिस्तानी। हेलो एंड सलाम ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू दी चैनल। सो अभी फ़िलहाल बज गए 5:20 और मैं 6 बजे चेक इन करूँगा एयरपोर्ट के अंदर, तो आराम से मेरे को 10-15 मिनट और लग जाएगी पहुँचने में। अपनी 9:10 की फ़्लाइट है, तो कहाँ जा रहा हूँ मैं वो थोड़ी देर में अभी आपको बताऊँगा एयरपोर्ट पहुँच के। थोड़ा सा मेरा चेक इन वाला प्रोसेस, इमिग्रेशन वाला प्रोसेस हो जाए, तो फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा मेरे को नर्वसनेस भी है उस चीज़ की, तो वो सारा प्रोसेस एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद में बात करते हैं तसल्ली से। अभी फ़िलहाल चलते हैं एयरपोर्ट और मेरे को अभी अराफात भाई और राकिब भाई छोड़ने जा रहे हैं एयरपोर्ट, तो काफ़ी जल्दी उठ के आए हैं भाई लोग दोनों, तो अभी जल्दी से पहुंचते हैं एयरपोर्ट और उसके बाद में बात करते हैं आगे। सो बोर्डिंग कंप्लीट हो गई है और इमिग्रेशन का प्रोसेस भी पूरा कंप्लीट हो गया है। इतनी देर से काफ़ी मेरे को थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही थी क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इंटरनेशनल फ़्लाइट ले रहा हूँ, मैंने पहले भी बताया, तो अब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो अब खाने का मन हुआ है, थोड़ा सा बॉडी नॉर्मल होती, भूख लगने लगी, तो अभी कुछ ब्रेकफास्ट करूँगा मैं, चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ लेंगे और उसके बाद में कंटिन्यू करेंगे आगे बोर्डिंग को। सो जस्ट अभी इमिग्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है और काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट है और काफ़ी सारा लोग वगैरह यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो पासपोर्ट हो गया है, स्टैम्प लग गया है एंड ये एक फ्री सिम दी है डू की, 5G नेटवर्क है, 1 GB फ्री डेटा, तो ये एक सिम फ्री मिली है। तो अभी फ़िलहाल बाहर चलते हैं और असलम भाई को फ़ोन करेंगे और वो आएंगे अपन को लेने के लिए, तो लेट्स गो। रेंट पे है क्या साइकिल? साइकिलें रेंट पे? पर्सनल है? आप लगा सकते हो मेट्रो? अच्छा पर्सनल है। रेंट के लिए वो छोटे वाले स्कूटर मिलते हैं, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक मोबाइल से आप बैलेंस काटो ले जाओ, एक दूसरे को खड़ी कर दो वहाँ पे, सब जगह स्टैंड होंगे सेफ। ऑलराइट, सो असलम भाई के फ्लैट पे पहुँच गए हैं और अलरिका के अंदर फ्लैट है, आप देख सकते हैं बालकनी में मैं खड़ा हूँ फिलहाल,
तो भाई बढ़िया व्यू है इधर से, और अभी तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो फर्स्ट इम्प्रेशन तो मेरा काफ़ी शानदार रहा दुबई में आते ही। तो मैंने स्काई स्क्रैपर्स वगैरह देखे हैं, सबसे पहला डिफरेंस वही नोटिस किया है, काफ़ी ज़्यादा शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत मज़ा आया देखने में। तो अभी तो एयरपोर्ट से हम अलरीगा तक पहुँचे हैं मेट्रो से, तो अराउंड 3 से 4 मेट्रो स्टेशन दूर होगा। तो अभी यहाँ पे पहुँच गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा देख सकते हैं आप बिल्डिंग्स वगैरह। तो फर्स्ट डिफरेंस तो ये नोटिस किया है मैंने, बाकी टेम्परेचर वाइज मौसम वाइज कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं जयपुर से निकला हूँ तो सेम टेम्परेचर वहाँ पे है, 35-36 डिग्री वहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। जैसे वहाँ पे अभी इस टाइम में अगर आप नल वगैरह में पानी आता है तो सारा गर्म होके रहता है, तो वो उस तरीके से यहाँ पर है सेम सिस्टम। अभी मैंने हाथ मुँह धोए यहाँ पर आने के बाद में, तो काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी है। तो अभी थोड़ी धूप वगैरह कम होगी, जब देखते हैं शाम को क्या प्लान रहता है। अब तो अभी फ़िलहाल अनपैक करता हूँ मैं और फ्रेश वगैरह होके मिलते हैं आपसे शाम को। तो भाई अभी चाय वगैरह पीने के लिए आए हुए हैं नीचे, ये वाली बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ पे स्टे कर रहे हैं और चाय पीने आए हैं। जस्ट पीछे ये शॉप है, तो यहाँ पे मेन तो ये है कि स्ट्रीट्स आप देख सकते हैं कितने ब्रॉड स्ट्रीट्स हैं, तो काफ़ी पैदल लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस है चलने के लिए, तो वो चीज़ मेरे को डिफरेंट लगी यहाँ पर। ऑलराइट, तो अभी शाम हुई है और मौसम थोड़ा बढ़िया हो गया है, तो अभी हम निकल गए हैं। आस पे एक मॉल है, अल गुरैर मॉल, तो यूनियन मेट्रो स्टेशन के पास में है, लेकिन मैं अलरीगा में स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वॉक करते हुए जा रहे हैं फ़िलहाल। पीछे आप देख सकते हैं मेरे काफ़ी सारे स्टोर्स हैं, यहाँ की लोकल ब्रांड्स भी है और नेशनल ब्रांड्स भी है। तो अभी चलते हैं टूवर्ड्स द मॉल, लेट्स गो। सो राइट नाउ वी आर इनसाइड अल गुरूर मॉल, एंड ये मॉल काफ़ी पुराना है, एंड इट इज़ बिलीव टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल ऑफ नॉट ओनली दुबई बट पूरे मिडल ईस्ट का जो मॉल सबसे पुराना या वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना जाता है, ये इसकी एंट्रेंस है। अभी यहाँ पे गए थे हम, तो आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो ये एरिया जो है, ये है नाइफ, और नाइफ का मार्केट है, तो सबसे सस्ता मार्केट आपको यहीं मिलेगा अगर शॉपिंग वगैरह के लिए आप कंसिडर करना चाहें तो। काफ़ी सारे छोटे मोटे स्टोर्स हैं, छोटी मोटी ब्रांड्स भी हैं और विदाउट ब्रांड भी है, तो सस्ती वाली अगर शॉपिंग आप दुबई में करना चाह रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो। आपको सारे इंडियंस, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, इस तरीके से यहाँ पर नेशनैलिटीज़ मिल जाएगी। तो एरिया में भी आप डिफरेंस देख सकते हो, अभी मैं आपको और आगे चल के दिखाता हूँ। वी आर राइट नाउ इन द पाकिस्तानी मार्केट, और नाइफ एरिया के अंदर ही है ये मार्केट, तो सारे होम डेकोर्स, फर्नीचर वगैरह से रिलेटेड सारा स्टफ़ यहाँ मिलता है, और सस्ते से लेके महंगा सारा है, बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। बाकी ऑप्शंस बहुत सारे और बहुत अच्छे अवेलेबल हैं, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे को देखने में यूनिक भी लगी और बहुत एलाइट लेवल की भी चीज़ें हैं। ये देखिए आप इस पीछे वाले शोरूम में।